हाय स्टूडेंट, मला COVID-19 प्रादुर्भावामुळे भरपूरसा वेळ मिळाला आणि त्यामुळे मी शॉर्टकट ट्रिक्स 12th स्टँडर्ड 11th स्टँडर्ड MHT CET यांच्याबाबत निर्माण करू शकलो, तयार करू शकलो। तर त्याबद्दल मला एक तुम्हाला सांगायचं आहे। आता मी सांगण्यापेक्षा करून दाखवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे। पहिले मी तुम्हाला करून दाखवणार आणि नंतर एक लॉन्ग मेथड जी आपली प्रॉपर ट्रॅडिशनल मेथड आहे त्यांनी सॉल्व करणार आणि एक शॉर्टकट। तुम्हाला चांगल्या तऱ्हेनं माहिती आहे MHT CET किंवा बाकीचे JEE वगैरे एक्झाम द्यायचे असते त्यावेळेस मात्र आपल्याला उपयोगात पडते ते शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक आहे। तर मग या शॉर्ट ट्रिक्स आपल्याजवळ व्यवस्थित अशा असायला पाहिजे आणि सुदैवानं मी सगळ्या चॅप्टर्सवरती शॉर्ट ट्रिक्स काढू शकलोय आणि आता माझी इच्छा आहे का मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवाव्या, ठीक आहे। आणि त्यासाठी तुम्हाला ग्रुप जॉईंट करावा लागेल, तो ग्रुप मात्र आपला फ्री ऑफ कॉस्ट राहील आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी राहील, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी कॉस्ट ॲट ऑल, ठीक आहे। तर मग त्याच्या बाबतीत आपण पहिले बघून घेऊया। तर बघा आता हे प्रॉब्लेम लिमिट भरपूर अशा विद्यार्थ्यांचं झालेलं असेल, लिमिट शिकलेला आहात, तुम्ही शिकलेले आहात तर इकडे लक्ष द्या बरोबर छान। अगदी सोपी पद्धतीनं आपण विदिन द 2 सेकंड्स ऑर 3 सेकंड्स दिस एक्झाम्पल वी कॅन क्रॅक। सो ॲट फर्स्ट देखिए यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लेम आहे। पहिले आपण इसको लॉन्ग कट से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में उसका शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, यानी दोनों की चीजें आपके ध्यान में आ जाती है। लॉन्ग कट किसको कहते हैं और शॉर्ट कट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब ये वाला एग्जांपल है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 - 2। तो अपने को इसको वैल्यू निकालना है इसकी, तो निकाल सकते हैं पहले ऊपर एक्स प्लस 2 एज इट इज रखेंगे, समझ में आएगा, ऐसा ही बताऊंगा, जिसका भी नहीं हुआ है लिमिट वो भी समझ जाएगा। देखिए तो अब क्या करना है, इसको अपने को एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड करते वक्त एक्स का क्यूब दिया है तो 1 भी किसका क्यूब होता है, फार्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 का। तो यहाँ पे मैं एक्स क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब है, 2 का 2 क्यूब ये वाला लगाऊंगा। लिमिट जब उसमें ऐसे फैक्टराइजेशन वाले प्रॉब्लम जब रहते हैं तो एक टर्म उसमें कैंसिल होने को होना, तभी अपनी लिमिट की वैल्यू आएंगी, या आप सबको पता ही है। तो अब मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बताऊंगा जो कि आपका हुआ है नीचे वाला, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आपको अच्छे से पता है। ये वाला फार्मूला है, इन फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, प्लस सेकेंड टर्म 8 से पढ़ रहे हैं और सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस देंगे, 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म मीन्स ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे अपन इसको एक्सपांड करेंगे ये फार्मूले के हिसाब से, तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 2 हो गया, अब ऊपर रह गया एक्स प्लस 2 एज इट इज और नीचे का एक्सपांशन अपना जो होगा ये फार्मूला के हिसाब से, तो ये एक्सपांशन अपना हो जाएगा एक्स प्लस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4, ये हो गया अपना इसका एक्सपांशन। अब आगे अपन क्या करेंगे, ये आपको अच्छे से पता ही है। तो एक्स प्लस 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है,
उसके बाद में अपन यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो आप लिमिट पुट करेंगे, पुटिंग लिमिट हो गया, ऊपर में अपना वन ही रहेगा, लिमिट निकाल लेने का वन रह गया, नीचे लिमिट पुट कीजिए, ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर एक्स के जगह पे, माइनस टू जैसे के वैसा इंटू माइनस टू हो गया, प्लस फोर हो गया। ओके, अब क्या हो जाएगा ये आपको अच्छे से पता है, अब इसका कैलकुलेशन वन एज इट इज रहेगा, माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, माइनस माइनस प्लस, टू टू जा फोर, प्लस फोर, और अपना लास्ट आंसर यहाँ पे आएगा वन बाय ट्वेल्व, ये हो गया अपना लास्ट आंसर वन बाय ट्वेल्व। ओके, अब ये जो चीज है अब यहाँ पे फार्मूला मैं मिटा देता हूं, ये भी आपके पास में रहेगा ही, तो अब इसको अपन शॉर्टकट से देखेंगे। करीबन करीब यहां पे मुझे इसे सॉल्व करने के लिए चार मिनट लगे हैं टाइम। ओके, अब यहां देखिए इसको मैं कितने टाइम पे सॉल्व करता हूं ये आप देखिए। अब यहां पे सीधा शॉर्टकट में जाते हुए पहले न बताते हुए डायरेक्ट कर लेता हूं, तो देखिए सॉरी एक्स टेंस टू माइनस टू है अपना, माइनस टू ही लिखेंगे आपके। ओके, तो माइनस टू हो गया। अब इसमें डिफरेंस देखिए, ये मैंने सॉल्व किया सिर्फ फाइव सेकेंड में, ये सिर्फ सॉल्व किया है फाइव सेकेंड में। अब ये जो ट्रिक है वो कैसी रहती है, क्या रहती है, ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिस किसी को भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, कौन सा भी स्टूडेंट हो, मेरे पास पढ़ा हुआ या न पढ़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। एक कोविड के कारण सब बच्चों को बहुत बड़ी तकलीफ हुई है, ये पता है मेरे को, और ये चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए खास स्पेशल ये सेशन लाया हूँ, और इस सेशन में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इतना ही मेरा यहाँ पे एम है, और इसका शॉर्टकट बाद में बताऊंगा। तो देखिए मैंने आपको डिफरेंस बताया, वीडियो लास्ट तक देखिएगा प्लीज। तो डिफरेंस बताया कि लॉन्ग कट में कैसा होता है, शॉर्टकट में कैसा होता है, लॉन्ग कट में कितना टाइम लगता है, शॉर्टकट में कितना टाइम लगता है। कोई भी स्टूडेंट रहो ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो सकता है, वो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मेरे को कॉल करना पड़ेगा, ऑन वो स्टूडेंट वनी का रहो, वनी के बाहर का रहो, उनसे भी शहर का रहो, कहाँ का भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ज्वाइन करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीखना चाहता है जो कि आपको MSTCET में या JEE में काम आए, तो आप मुझे कॉल करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9860559518। और यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं ग्रुप में, ये पूरा बात बता देता हूं मैं। एक तो लाइव सेशन हो जाएगा, नहीं तो वीडियो अपलोडिंग हो जाएगा। फिर ग्रुप का काम क्या,
तो अपने ग्रुप में फिर क्या होगा, आपके लिए टेस्ट आती रहेगी, आपको टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा और वो प्रॉब्लम आपको जो लंबे लंबे प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए कम से कम एक घंटा आधा घंटा लगता है, 10 प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए वो सिर्फ 10 मिनट में आप छुड़ा सकते हैं। ऐसी कुछ बातें मैं वो पेपर में नोट करूंगा और आप वो पेपर एक घंटे के बजाय 10 मिनट में सॉल्व कर सकेंगे और आपका एमएसटी सीईटी का अगले साल का नुकसान भी नहीं होगा और साथ में आप अच्छे से स्कोर भी कर सकेंगे। धन्यवाद।